हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 18, जो कि स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये प्रश्न लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पर बेस्ड प्रश्न है। तो क्वेश्चन किस तरह से है, इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस आर ए एंड बी, देन वी आर सपोज टू प्रूव 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b². मतलब कि p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, किस लाइन पर, उस लाइन पर जो इंटरसेप्ट बनाती है ऑन एक्सिस हुज लेंथ्स आर ए एंड बी। एक्सिस पर ए और बी लेंथ के इंटरसेप्ट बनाती है, मतलब लाइन कुछ इस तरह से है और ओरिजिन से उस पर डाला गया परपेंडिकुलर ये होगा जिसकी लेंथ हमें दी हुई है पी है। मान लीजिए कि ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है और ये बी है। अब ओ से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर इस लाइन पर लेंथ पी रखता है और हमें प्रूव करना है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b². इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू नो विच काइंड ऑफ लाइन इज दिस। सो वी मस्ट बी नोइंग दैट दिस लाइन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। इस लाइन को स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, जिसकी इक्वेशन होती है x/a + y/b = 1। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, वी नो दैट अ लाइन विच मेक्स मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस इज ऑन एक्सेस इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस इज x/a + y/b = 1। अब इंटरसेप्ट ऑफ व्हाट लेंथ वी डिड नॉट मेंशन हियर, सो यू कैन यूज कैरेट इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्सेस इज दिस। अब हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन तो आ गई है x/a + y/b = 1। अब दूसरी बात है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देयरफॉर वी शुड नो फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हियर आई एम राइटिंग फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेट अस सी व्हाट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल पी और एनी पॉइंट, वी कैन से पॉइंट इज आर, कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा, टू
अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज मॉड ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. आई एम होपिंग दैट दिस इक्वेशन विल नॉट बी विजिबल टू यू, सो आई एम राइटिंग इट अगेन. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड. रिप्लेस दिस एक्स बाय अल्फा, रिप्लेस दिस वाई बाय बीटा हियर एंड द इक्वेशंस लेफ्ट साइड इज एज इट इज. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी है एंड द डिनोमिनेटर विल हैव रूट ओवर ए स्क्वायर मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स ए स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ वाई विच इज बी बी स्क्वायर एंड मॉड्यूलस. मॉड्यूलस क्योंकि डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव. नाउ लेट अस अप्लाई दैट फॉर्मूला विच इज वी आर हैविंग फॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इन दिस केस. सो व्हाट इज ए हियर, इट इज नॉट वेरी मच क्लियर कि ए क्या है. तो इस इक्वेशन को हम उस फॉर्मेट में लाते हैं. उस फॉर्मेट में लाने के लिए आप देखिए, ये होगी वन अपॉन ए एक्स प्लस वन अपॉन बी वाई और आप वहां देख रहे होंगे कि राइट साइड इज हैविंग जीरो. तो हम इस माइनस वन को भी लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं. नाउ वी आर गिवन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ओरिजिन मीन्स व्हाट, जीरो जीरो. ओरिजिन इज ओ, हुज कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो. ओरिजिन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, वी कैन नेम दिस लाइन, लेट अस नेम दिस लाइन एज वन. सो गिवन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन वन, दिस लाइन, दिस लाइन हुज इक्वेशन इज दिस टू वन इज पी. देयरफोर पी इज इक्वल टू, नाउ वी शैल अप्लाई दैट फॉर्मूला, मॉड्यूलस ऑफ ए इज वन अपॉन ए, वन अपॉन ए. एक्स इज वॉट यू कैन सी, एक्स शुड बी रिप्लेस बाय अल्फा, एक्स शुड बी रिप्लेस बाय अल्फा एंड हियर अल्फा इज वॉट जीरो, अल्फा इज जीरो, बीटा इज जीरो. सो इंस्टेड ऑफ एक्स वी शैल राइट जीरो प्लस वन अपॉन बी इंटू जीरो और सी इज माइनस वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन ए स्क्वायर. वहां आप फॉर्मूले में देखिए कैपिटल ए स्क्वायर है, यहां पर हमारे पास कैपिटल ए की जगह वन अपॉन ए है. तो वन अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर विच इंप्लाइज, अब आप देख रहे होंगे फर्स्ट दिस फर्स्ट टर्म इज जीरो, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, माइनस वन एंड बीइंग मॉड्यूलस माइनस वन विल बिकम प्लस, सो वी विल हैव पी इज इक्वल टू वन अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ होल. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर. अब हमें प्रूव करना है, वी आर सपोज टू प्रूव दिस विच इज हैविंग वन अपॉन पी स्क्वायर, देयरफॉर टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लें तो पी स्क्वायर के अपॉन में देयर इज नथिंग इन डिनोमिनेटर ऑफ पी स्क्वायर, वी कैन राइट वन. सो वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह से राइट साइड को इन्वर्ट करने पर वी विल फाइंड वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर. हैंस द रिलेशन इज प्रूव्ड. माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू प्रूव फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी इन नेक्स्ट वीडियोस, एंड इफ यू विश टू फाइंड मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक माय चैनल. विश यू ऑल द बेस्ट.